So now we are doing our fourth topic of this chapter, that is common size statement of profit and loss. अब इस कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट में दो कॉलम ड्राफ्ट किए, दैट इज फर्स्ट ईयर परसेंटेज एंड सेकेंड ईयर परसेंटेज, यहाँ पे भी हम वही दो कॉलम ड्राफ्ट करने वाले हैं, फर्स्ट ईयर परसेंटेज एंड सेकेंड ईयर परसेंटेज. बट बिफोर मेकिंग दिस कॉलम, बिफोर फिलिंग दिस कॉलम फर्स्ट ईयर परसेंटेज एंड सेकेंड ईयर परसेंटेज, हमें क्या करना है, हमें जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या था, हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये सब चीज़ें कुछ गिवन है, एंड वी विल बी फिलिंग दीज टू कॉलम फर्स्ट ताकि हमें इन सब को कैलकुलेट करने में कोई इशू ना हो. तो हम लोग पहले इसको फिल करेंगे, पहले अपने फर्स्ट ईयर का अमाउंट को पूरा करेंगे, देन सेकेंड ईयर का अमाउंट को पूरा करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर का परसेंटेज एंड सेकेंड ईयर का परसेंटेज. तो उसको अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो हम पहले इसको फिल करते हैं और उसके बाद सीखते हैं. तो फिल करने के लिए 10 लाख प्लस 80,000, तो हमारा टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ गया 10 लाख 80,000, देन 3 लाख प्लस 1 लाख 80,000, तो टोटल एक्सपेंस विल गेट 4 लाख 80,000. नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कैसे आएगा आपके पास, जब आप टोटल रेवेन्यू में से, इस टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 10 लाख 80,000 में से जब आप 4 लाख 80,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा अमाउंट कितना, 6 लाख रुपीज़. तो 6 लाख रुपीज़ आपके लिए हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब नाउ टैक्स रेट इज 30%, तो 6 लाख का 30% यू विल गेट 1 लाख 80,000 एज टैक्स, एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपके पास आएगा वो कितना आ गया बच्चों, 4 लाख 20,000, 4 लाख 20,000 रुपीज़. कैसे निकाला आपने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30%, 1,80,000 टैक्स पे कर दिया आपकी कंपनी ने, तो 6 लाख में से 1,80,000 अगर आपने पे कर दिए तो आपके पास कितने बचे, 4,20,000. ना सेकेंड ईयर का अमाउंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, 20 लाख प्लस 3 लाख, दैट इज 23 लाख रुपीज़ का आपके पास टोटल रेवेन्यू. टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा आपके पास, 6 लाख प्लस 4,40,000, दैट विल कम टू 10,40,000. नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज दिस माइनस दिस, then you will get 12,60,000 rupees as net profit before tax. फिर आप उसका 30% का tax calculate करोगे, that will come to 3,78,000 rupees. And after deducting these 3,78,000 rupees from 12,60,000 rupees, आपके पास जो net profit after tax बचेगा, that is 8,82,000 rupees. तो अब आप लोगों ने क्या कर लिया, अब आपने इधर फर्स्ट ईयर के सारे अमाउंट फिल कर लिए, सेकेंड ईयर के सारे अमाउंट फिल कर लिए, अब आप लोग कैलकुलेट करोगे फर्स्ट ईयर का परसेंटेज एंड सेकेंड ईयर का परसेंटेज. तो जो बात मैंने आपको बैलेंस शीट बनाते टाइम बोली थी कि क्योंकि यहाँ पे हम एब्सोल्यूट चेंज नहीं बना रहे, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको दो ईयर के अमाउंट गिवन हो, आपको एक सिंगल ईयर का अमाउंट गिवन हो सकता है. उस सिंगल ईयर के लिए आपको सिर्फ सिंगल ईयर का ही परसेंटेज निकालना है. तो अब आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, यहाँ पर एक थोड़ा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालने के लिए बैलेंस शीट में आप क्या यूज़ कर रहे थे, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट. लेकिन अब आप क्या यूज़ करोगे, अब आप यूज़ करोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. याद रखना ये बात, अब आपने किससे डिवाइड करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट ईयर का जो भी अमाउंट है उसको फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के लिए, एंड जब आप सेकेंड ईयर का अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो सेकेंड ईयर के किसी भी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जब आप डिवाइड करोगे तो आरएफओ कौन से ईयर का लोगे बच्चों, सेकेंड ईयर का आरएफओ लोगे, एंड आपके पास ये सेकेंड ईयर का परसेंटेज आ जाएगा. तो फर्स्ट ईयर का जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे आप, 10 लाख डिवाइडेड बाय आरएफओ को आरएफओ से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट परसेंटेज विल ऑलवेज बी 100%, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे वो सेकेंड ईयर का हो, वो 100% ही आएगा. अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे फर्स्ट ईयर की परसेंटेजेस, देखो 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख तो आपके पास आ जाएगा 8%, देन 10,80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख वो आ जाएगा 108%. अगेन यहाँ पे मोर देन 100 पॉसिबल है क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज लेस देन टोटल रेवेन्यू. नाउ
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए कैसे निकालोगे, 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो वो आपके पास कितना परसेंट आ जाएगा, 30%, देन 18%। सिमिलरली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 48%, एंड देन आप क्या करोगे, कुछ 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। कहीं पे भी बेटा प्लस माइनस करना नहीं है आपने परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम, आपका कोई भी ऐसी फिगर्स हो जिसमें आपका आगे रिस्क हो तो उसे अवॉइड करना है, बेटर आप कैलकुलेट कर लो 6 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, तो वो कितना आ गया आपके पास, 60%। देन 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो आपके पास आ गया 18%, एंड देन 42%। वैसे हम लोग प्लस माइनस यहाँ से कर सकते थे कि 62 माइनस 18 इज 42, ये सिंपल है आपके लिए, 30 प्लस 18 इज 48। लेकिन कई बच्चे बाद में क्या करते हैं, प्लस माइनस के साइन में कन्फ्यूज़ होते हैं और यहाँ पे एक गलती कर देते हैं परसेंटेज में, और इस परसेंटेज की गलती अवॉइड करना बेटर है। जब तक आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते प्लस माइनस में, तो बेटर है आप एक एक करके कैलकुलेट ही कर लो, ठीक है। और सेकेंड ईयर के परसेंटेजेस कैसे निकालोगे आप लोग यहाँ पे, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय दिस 20 लाख, तो आपके पास आएगा बेटा 15%। देन 23 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इज 115%। 6 लाख डिवाइडेड बाय दिस इज 30%। देन 4,40,000 डिवाइड बाय 20 लाख इज 22%। एंड फिर आपके पास 10,40,000 डिवाइड बाय दिस, तो आपके पास आ जाएगा 52%। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, देखो 30% प्लस 22 इज 52, ये कैलकुलेट करा हम लोगों ने, यहीं से निकल गया। लेकिन ऊपर से पूरा कैलकुलेट करते हुए मत आ जाना टोटल, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू को हम स्टॉप कर चुके हैं। एंड द नेक्स्ट इज 12,60,000 डिवाइड बाई 20, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 63%। निकालने का तरीका अब यहाँ पे एक और क्या था, देखो 115 और 52 का जो सब्ट्रैक्शन है वो ये अमाउंट है, ठीक है। एंड इसके बाद 3,78,000 डिवाइड बाई दिस, तो हमारे पास कितना परसेंट आ जाएगा, 16.9%। एंड देन इस 16.9 को सॉल्व कर लिया आपने, अब 8,82,000 डिवाइड बाई 20 लाख इज, अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 44.1%। तो ये आपका पूरा का पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट जो आपने बनाया, पूरा कैलकुलेट करा, कैसे कैलकुलेट करा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, तब आप फर्स्ट ईयर का जो भी अमाउंट है कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाय आरएफओ ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के परसेंटेजेस आप कैसे निकालोगे, सेकेंड ईयर का जो भी अमाउंट होगा डिवाइडेड बाय आरएफओ ऑफ सेकेंड ईयर इनटू 100। बैलेंस शीट में आप क्या कर रहे थे, फर्स्ट ईयर का जो भी अमाउंट निकाल रहे थे डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ बैलेंस शीट, जो कि एसेट और लाइबिलिटी के लिए सेम होगा। ऐसे ही सेकेंड ईयर का जो भी आप वहाँ पे अमाउंट निकाल रहे थे, दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था जो 4 पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट पार्ट वाज कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड पार्ट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उनको ए और बी पार्ट मान के हमने 4 पार्ट में टोटल चैप्टर को पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।